स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर करने के बाद अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जैसे आयनोस्फीयर का क्या सिग्निफिकेंस है, हमारे लिए किस तरह से वो महत्वपूर्ण है। दूसरा क्वेश्चन है कि एटमॉस्फेयर है हमें किस तरह से प्रोटेक्ट करता है, हमें किस तरह से एक आवरण के रूप में हमारे लिए काम करता है, तो उसको 20 से 30 शब्दों में लिखना है आपको। सिग्निफिकेंस बताना है ट्रोपोस्फीयर का, ट्रोपोस्फीयर का क्या महत्व है लिविंग बींग के लिए या ओवरऑल जो भी हम देखें ज्योग्राफिकली किस तरह से ट्रोपोस्फीयर इम्पोर्टेंट है। तो हमने देखा था सेकंड जो लेयर थी समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, उसके अंदर एक ओजोन लेयर थी, तो ओजोन लेयर एक हार्मफुल रेडिएशन को रोकते किस तरह से वो प्रोटेक्ट करती है वो अब हमें इस यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा 20 से 30 शब्दों में। और पोलर लाइट का जिक्र किया था, पोलर लाइट को उत्तरी गोलार्ध में क्या कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में किस नाम से जानी जाती है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर मेंशन करना है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन इसके अंदर बनता है कि एटमॉस्फेयर क्या होता है और एक इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में एक्सप्लेन करें विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। तो उम्मीद है ये चैप्टर करने के बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।